Hey everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. Guys, आज मैं review करने वाली हूँ अपने favorite compact powder का, which is Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Refillable Compact Powder. If you know, I'm not a compact person. मैंने बहुत सारे compact powder purchase किए हैं, but कोई भी इतना ज़्यादा satisfying मुझे आज तक नहीं लगा कि जिसे मैं बार-बार use करूँ. But recently I was trying कि कोई ऐसा compact powder मिले जो मेरे दिमाग में जैसा flawless finish आता है compact powder का वैसा हो actual में. थोड़ा सा internet में research किया and मैंने पाया कि Charlotte Tilbury का ये जो compact powder है ये बहुत ज़्यादा amazing है. इतनी ज़्यादा hype थी इस product को लेके, तो मैंने सोचा कि चलो इसको purchase करते हैं. तो अगर आप plan कर रहे हो Charlotte Tilbury का ये compact powder purchase करने के लिए, तो ये video को पूरा देखें, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, किस स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं एंड क्यों इतना ज़्यादा जो हाइप है इस प्रोडक्ट को लेके वो बिल्कुल जस्टिफाइड है. तो चलते वीडियो की तरफ. अगर पसंद आए तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स क्विकली जंप इनटू टुडेस वीडियो. सो गाइस, ये है Charlotte Tilbury एयरब्रश कॉम्पैक्ट पाउडर. इसकी प्राइस है ₹4,700. इसमें आते हैं 4 डिफरेंट शेड्स एंड मेरा शेड है इसमें 01 फेयर. अगर आप चाहते हो अपना एग्जैक्ट शेड जानना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट. पैकेजिंग वाइज बहुत ही लग्जूरियस है, गोल्ड कलर में आता है एंड आपकी वैनिटी में बहुत ही खूबसूरत लगेगा. एक चीज़ जो मुझे बहुत बड़ी इश्यू लगी वो ये कि इसके साथ कोई भी एप्लीकेटर नहीं आता है. आई एम पेइंग 4,700 एंड द लीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट इज अ गुड एप्लीकेटर जो कि हर कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ मिलता है, बट इसके साथ नहीं मिला, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ था. बट इट इज़ वॉट इट इज़. सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड अब मैं आपको अपने फेस पर लगा के दिखाती हूँ कि आप इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो. सो गाइज, आप इसे तीन तरीके से यूज़ कर सकते हो, जिसमें से कि पहला तरीका है कि आप डायरेक्टली इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो. यस, इट कैन बी अप्लाइड ऑन इट्स ओन. तो अभी मैंने अपने फेस पे कोई भी मेकअप नहीं किया है, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया है एंड इसके ऊपर मैं इस कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ. एक तरफ मैं अप्लाई करूँगी एंड दूसरी तरफ नहीं करूँगी, ताकि आपको डिफरेंस क्लियरली पता चले. तो जिस साइड मैंने लगाया है कॉम्पैक्ट पाउडर, आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट ब्लर आउट काइंड ऑफ फिनिश आ रही है. एंड जिधर मैंने नहीं लगाया, आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्चर दिख रहा है, एक्सेस ऑयल दिख रहा है, पोर्स दिख रहे हैं एंड लाइंस भी दिख रही है. एंड ऑन द अदर साइड जिधर मैंने लगाया है, फेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है एंड कवरेज भी बहुत अच्छी है इस कॉम्पैक्ट पाउडर की. तो अगर आप एवरीडे ऑफिस जाते हो तो इस तरीके से आप अपने फेस पे इसे अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका फेस बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है एंड बहुत ही नेचुरल लुक देता है. इट हैज़ अ वेरी यूनिक फॉर्मूला जिसमें ये एक्सेस ऑयल तो एब्जॉर्ब करता ही करता है, बट एट द सेम टाइम आपका फेस जो है वो ड्राई नहीं लगता है, अनलाइक अदर कॉम्पैक्ट पाउडर्स. तो ये था पहला तरीका जिसपे आप डायरेक्टली इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो. सेकेंडली, आप इसे अपने टचअप्स के लिए यूज़ कर सकते हो. अभी जो आप मेरा फेस देख रहे हो, इस मेकअप को किए हुए मुझे 4 से 5 घंटे हो गए हैं एंड अच्छा खासा ऑयल जनरेट हो रहा है फेस से एंड फेस में आप देख रहे हो कि अच्छा खासा शाइन है. तो यहाँ पे मैं इसे टचअप के लिए यूज़ करूँगी इस साइड ऑफ द फेस पे. आप देखोगे इसे लगाने के बाद फेस कितना ज़्यादा स्मूथ लगेगा एंड ये बिल्कुल बहुत ही मैजिकल है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रील्स ऐसे देखे थे, कोरियन एंड चाइनीज रील्स, जिसमें कि कोई पाउडर लगाता है कोई एंड बिल्कुल स्मूथ हो जाता है एंड पोर्स ब्लर आउट हो जाते हैं, फाइन लाइंस क्लियर हो जाती है. एंड मुझे लगता था कि वो हमेशा फेक है, क्योंकि उनकी स्किन ही वैसी होती है तो अच्छा होता होगा इसलिए. बट यहाँ पे इस पाउडर के साथ बिल्कुल वैसी फीलिंग आई मुझे, क्योंकि लगाने के बाद आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है बिफोर एंड आफ्टर में. तो अगर आपके फेस में एक्सेस ऑयल इस तरीके से आती है एंड अगर आपका मेकअप पिघलता है, तो आप टाइम टू टाइम इससे टचअप करके बिल्कुल अपना मेकअप को फ्रेश कर सकते हो. ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इंस्टेंटली अभी मेकअप किया हुआ है, जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि पहले फेस कितना ज़्यादा शाइन कर रहा था एंड कितना डल लग रहा था, मेकअप पिघल रहा था, बट इसे लगाने के बाद मेकअप वापस से बिल्कुल फ्रेश हो गया है. तो जैसा कि इसका नाम है, ये आपके मेकअप को बिल्कुल एयरब्रश लुक दे देता है. एंड लास्टली, इट कैन बी यूज्ड टू सेट द बेस, मतलब कि आपके फाउंडेशन एंड कंसीलर को सेट करने के लिए आप इस कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ कर सकते हो. गाइस, जब भी आप कोई कंसीलर लगाओ तो जस्ट मेक श्योर कि उसे आप कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर से सेट करो, वरना आपके लाइंस बन जाएंगे एंड क्रीज होने लगता है मेकअप एंड वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. तो सेट करने के लिए आप इस तरह का फाइनली मिल्ड पाउडर यूज़ कर सकते हो. आप देखो इसे लगाने के बाद फेस कितना ज़्यादा एयरब्रश लुक दे रहा है एंड बहुत ही ब्यूटीफुली ये मेरे कंसीलर को सेट कर देता है.
इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो काफी अमेजिंग है। इसमें रोज वैक्स है जो आपके फेस को मॉइस्चराइज एंड नरिश करता है, इसमें आमंड ऑयल है जिसमें भी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है, एंड इसमें लाइट रिफ्लेक्टिंग पर्ल्स है। इसका मतलब ये है कि जब लाइट आपके फेस पे हिट करेगी तो ये इसमें ऐसा फॉर्मूला है कि वो डिफ्यूज कर देगा लाइट को, एंड काफी ब्लर्ड आउट सॉफ्ट काइंड ऑफ फिनिश आता है। सो अगर आपकी शादी होने वाली है एंड आप अपने लिए एक मेकअप किट तैयार करना चाहते हो, एंड अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है ऑफकोर्स, तो आप ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। शेल्फ लाइफ की बात करें तो 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है, जो कि इनफ है मेरे हिसाब से, इट्स ओके। कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें, अभी तक बहुत बार मैंने इसको लगाया है एंड कोई भी मुझे इरिटेशन नहीं हुई, कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें, कोई भी पैराबेन, मिनरल ऑयल या फिर कोई भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ है, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ है जो आपके फेस को ड्राई नहीं करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके एक्सेस ऑयल को ये एब्जॉर्ब करता है एंड आपके फेस को बहुत ही ब्यूटीफुली मैटिफाई करता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्किन टाइप वाले लोग हो आप इसे यूज़ कर सकते हो बिना किसी सेकेंड थॉट के। ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है बट बहुत अमेजिंग है, एंड अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आपको डेफिनेटली ये परचेज करना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड जितना इस प्रोडक्ट को लेके हाइप है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, आई टोटली अंडरस्टैंड इट। So guys, this was my detailed review on Charlotte Tilbury Airbrush Compact Powder. I hope कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आपके किसी भी तरह के डाउट्स, क्वेश्चन या सजेशन आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So signing off for today guys, मिलते हो आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। Till then, bye, take care and stay healthy.